अनिब भाई पांच हजार रुपये में अगर कोई बंदा अभी भी कारोबार शुरू नहीं करना चाहता ना उसका मकसद यही है कि वो कर ही नहीं सकता दुख नहीं हुआ पागल हो गया मेंटली मैं डिप्रेशन में चला गया क्या देंगे पांच हजार का पाँच आके पाँच 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 था? पे में इतना सामान है अभी और भी वरायटी चेंज होगी वो सेल होगी जो मेरे पास है ये देखे मैंने पांच हजार रुपये के जूते उठाए अपने ट्यूशन के बच्चों के दरवाजे खटकाए अहमदाबाद ने बोला बाजी ये जूती खरीदनी है एक सौ तीस में बाजी ने बोला नहीं मैंने बोला तीस रुपए आपकी कमीशन बाजी ने बोला यस मुझे नहीं पता चल रहा है मैं आपको अपना मोबाइल दिखा देता हूं ये देखें मुझे सर डेली 500-600 लोगों के फोन आ रहे हैं हमें सामान भेज दें ये देख रहे हैं ग्रीन बेंग मैंने बेंग ये ओपन ही नहीं, नहीं किए हुए ये देख रहे हैं मेहमू का मेज़बान अनिफ जहीर मेरे साथ इस वक्त हमजा बट साहब मौजूद हैं जो एक चैनल के अंदर काम करते थे और तकरीबन पाँच साल तक एंकर रहे हैं लेकिन एक दिन उनको कॉल आती है और उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है जिसके बाद ये फैसला करते हैं कि अब मैं नौकरी नहीं करूँगा मैं अपना कारोबार करूंगा दस हज़ार से इन्होंने अपना कारोबार स्टार्ट किया और आज लाखों में इनके पास इन्वेस्टमेंट मौजूद है और इन्होंने जो गरीब लोग हैं जो लोग ये गिला करते हैं कि हमें मौके नहीं मिलते हैं जो लोग ये कहते हैं कि हमारे पास कारोबार के लिए अपॉर्चुनिटीज नहीं है उनके लिए उन्होंने एक कंपेन भी निकाल ली है कि सिर्फ पांच हजार रुपया लाएं और पांच हजार से अपना कारोबार स्टार्ट करें और अच्छी अर्निंग स्टार्ट करें हमजा भट्ट से बात करते हैं वाले अनिप भाई कैसे हैं? है सब क्या हाल चाल है सबसे मल्ला का ठीक ठाक बहुत शुक्रिया कि आप इधर आए अपना कीमती वक्त निकाल के और साहब आप मुझे ये बताएं कि पांच साल तक आप आपकरिंग करते रहे हैं प्राइम टाइम शो करते रहे हैं निकाला क्यों गया क्या वजह बनी मुझे निकाला गया फॉर नो रीज़न अच्छा मुझे नवाज शरीफ को तो निकाला था ना जैसे वो कहते हैं मुझे क्यों निकाला तो उसने पाकिस्तान में करप्शन की थी मुल्क को लूटा था अब मुझे निकाला गया तो मुझे नहीं पता कि मेरी जो है वो रीज़न क्या है अच्छा मैं एक इदारे के साथ मुखलिस भी था मेरा इदारा अगर साबित कर दे कि मैंने कोई करप्शन की हो पाँच साल में मैंने पाँच साल में लहमद ला ढाई सौ एपिसोड किए मैंने किसी से एक रुपया लिया हो उल्टा मैंने चैनल वालों को अपनी टीम को खिलाया यही यार मैंने किसी से एक रुपया लिया हो तो मेरे वो साबित कर दें वो जितने कहेंगे मैं वो उस 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 सदा के लिए मैं यहाँ पे मैं यहाँ मौजूद हूँ मुझे वो पनिशमेंट कर सकते हैं मुझे सताईस तरीक को मेरे कराची से हेड जो हैं मेरे चैनल के ओनर्स बहुत अच्छे हैं मेरा मकसद चैनल को डीफेम करना नहीं है मैं अपने जो सहाफ़ी भाई जो यंगस्टर हैं जो नेशनल चैनल में बैठे हुए हैं जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बैठे हुए हैं उनको मोटिवेट करना है, है। आखिर कब तक किसी की नौकरी करोगे अपने बारे में सोचें ठीक है, ठीक है। अब हम अपने पॉइंट पर आते हैं मुझे मेल आती है इस तरह इस तरीकों के हम आपको पता है वो डेली बेसिस पर मेल्स आ रही होती हैं कोई काम करना हो कोई नया प्रोजेक्ट हो मुझे मेल आती है भाई आपको मेल भेजी गई है हमदा बैठ साहब चेक कर लें मैंने कहा यार कर लूंगा बाद में घर जाके कोई प्रोग्राम का शेड्यूल होगा सर मैंने रात को जाके मेल चेक तो उसमें लिखा हुआ है कि 30 तारीख से 30 जुलाई से आप हमारे जो चैनल का वो हिस्सा नहीं है अच्छा। और बहुत अच्छा लगा आपने हमारे साथ काम किया और बहुत अच्छा वक्त गुजरा और अल्लाह हाफिज़ अच्छा वो जो ईमेल थी ना मैं कोशिश करूँगा अगर मिल गई मैं आपको दूंगा भी उसने वो जो नहीं होता मेरी बॉडी में ऐसे ऐसे कि मैं रोने वाला हो गया कांपना शुरू कांपना शुरू हो गया पाँच साल मुझे याद आ गए अपने के कैसे मैं बारिशों में मैं अपने उस ऑफिस में वो जो पेंट शेंट का काम करता था हमने अपने हाथों से उस ऑफिस में जाके जो है वो फटे लगाए हमने उस उ, अपने हाथों से उस ऑफिस में जाके जो है फर्नीचर लगाया लाइटें लगाईं मतलब वो जिस तरह अपना घर नहीं होता आप अपने घर में आप रह रहे हो और आप कोई नया घर लेते हैं उसको तैयार करते हैं।, हैं और आपको कोई पाँच साल बाद अचानक अपने घर का मेम्बर किक आउट कर दे तो आपके दिल पे क्या छुड़ियाँ चलती हैं मेरे साथ वो था तो उसके बाद मेरे पास ये सारी डिग्री दुख, दुख हुआ दु, दुख नहीं हुआ पागल हो गया मेंटली मैं डिप्रेशन में चला गया अच्छा। साइको पेशेंट नहीं होते मैं वो होने वाला हो गया था अगर मैं ये चीज़ें ना करता डिग्रियाँ देख रहे हैं अलहमदुल्ला लाहौर का नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लोग तरसते हैं यहाँ पर पढ़ने के लिए मैं यहाँ पर स्कॉलरशिप पे पढ़ रहा हूँ बड़े बड़े चैनल मैं नाम नहीं लूंगा किसी का कोई ये ना समझे मैं डीफेम कर रहा है ये बड़े बड़े चैनल्स की डिग्रियां लगी हैं जब मैंने काम किया है यू से मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा किया हुआ है चाइनीज़ लैंग्वेज का मैंने चाइना के रहा से इंस्ट्रक्टर आए थे उनसे वा मिंग जे हमजा व चौंग वन शोशंग पाकिस्तान रन नीचे आओ शमा मिंगजे चौंग चोंगपा यू वन से मैं चाइनीज ट्रांसलेटर भी काम कर चुका हूँ चाइनीज़ के साथ ठीक है अलहमदिल्ला फिर ये मेरी जो है यू से मैंने रेहान तारिक साहब सिटी फोटी के दस तक उनसे ट्रेनिंग ली मैंने तीन महीने मैंने बड़े बड़े एंकर से वर्कशॉप्स ली ट्रेनिंग ली मैंने कोर्सेज की एट द एंड मुझे निकाल दिया गया अच्छा। मगर मैं ये नहीं कहूंगा आप लोगों को कि आपने डिसपॉइंटेड नहीं होना नहीं। आपने परेशान नहीं होना मैंने सीखा पांच साल अच्छा। मैंने अलहमदुल्ला इतना कुछ सीख लिया कि मैं अब पहले गाड़ी में जाता था ना मेरे साथ गार्ड भी होता था मेरे साथ लड़कियां भी होती थी शशका भी होता था एक लग्जरी लाइफ भी होती थी रात को हम चाय क्वाली में बैठ के प्लान्स भी करते थे चाय के कप भी पी रहे होते थे पीछे क्वालियाँ भी चल रही होती थी प्रोटोकॉल होता था लोग ढोल पे इस्तेबाल कर रहे होते थे किसी शहर में जाते थे अब वो चीज़ें नहीं है

मगर मैं आपकी सैलरी इतना साहब एक दिन में करता हूँ तो कौन समझदार हुआ वो जॉब करने वाला या मैं असल में जो जॉब बंदा कर रहा होता है ना वो डर पोंक होता है मैं भी आज से तीन चार महीने पाँच महीने पहले डर पोंक ही था ठीक है मेरे में वाइट कलर जॉब करने का शशका था मैं चाहता था कि मैं इसी के आगे बैठा हूँ मैं गाड़ी में बैठा हूँ मेरे साथ गार्ड हो हम शूटिंग पे जाएँ पूरे मोहल्ले में प्रोटोकॉल हो और बस वो था मगर वो मुझे मेरे जेहन में ये नहीं था कि ये जो सारी जो लाइफ है ये चंद दिन की मेहमान है मेरे लिए ठीक है अलहमदुल्लाहमद्ला मैंने मुश्किल वक्त देखा मैं रोया भी मैं परेशान भी रहा मैंने ठोकरें भी खाई मैंने प्लान बनाया बाहर चले जाएंगे जी दुबई चले जाएंगे जी यूरोप निकल जाना है कई लोगों ने डंकी का मशवरा दे दिया अच्छा। भाई राम के रास्ते डंकी लगा लो ठीक अच्छा। है तुम तुम बाहर पहुंच पहुंच जाओ तुर्की से आगे जाओगे मैं का यार क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा जिंदगी में अल्लाह का एक नए बंदा मुझे मिला उसने अच्छा। मुझे मशवरा दिया कि तुम पाँच हजार रुपये से जूते का काम करो अच्छा मैंने पांच हजार रुपये के जूते उठाए अच्छा अब मसला आ रहा था मार्केटिंग का सेल करना है हमजाबाद तो एंकर थे हमजाबाद गाड़ी में जाते थे अब हमजाबाट जूती सेल करने जाएंगे डेढ़ सौ की ये मेरी सक्सेस थी हमजा भट्ट ने ये जूतियाँ सेल की हमजा भट्ट ने ट्यूशन के बच्चों के दरवाजे खटकाए अच्छा। हमजा भट्ट ने बोला बाजी ये जूती खरीदनी है एक में बाजी ने बोला नहीं मैंने बोला तीस रुपये आपकी कमीशन बाजी ने बोला यस ठीक <laughs> है हमने उनको भी प्रॉफिट दिया हमजा भट्ट ने ख़ुद भी प्रॉफिट कमाया और बच्चे को भी हमने सस्ते में जूती दे दी तीन सर्कट चल गए बच्चे को मार्केट से फिर जाके 200 की चीज़ मिलनी थी हमने डेढ़ सौ में बच्चे को भी दे दी बाजी को भी प्रॉफिट दे दी हमजा भट्ट का सामान भी बिक गया okay. वहाँ से हमजा भट्ट ने सोच लिया कि आज से हमदा भट्ट कारोबार करेगा और हमजा बट नौकरी नहीं करेगा और अहमदुल्ला अलहमद अल्लाह मुझे बुरी नज़र से बचाए अल्लाह मुझे बुरी, बुरी नज़र से बचाए मेरी वालदन की दुआएँ मेरे साथ हैं शायद ये उनकी दुआओं की बदौलत है या मेरे वाली साहब डेली यहाँ पे आके बैठते हैं ये उनकी बदौलत है मुझे नहीं पता चल रहा मैं आपको अपना मोबाइल दिखा देता हूँ ये देखें मुझे सर डेली 500-600 लोगों के फ़ोन आ रहे हैं हमें सामान भेज दें ये देख रहे हैं ग्रीन देखें। मैंने, देखें। ये ये मैंने ये ओपन ही नहीं किए हुए ये देख रहे हैं मैंने ये ओपन ही नहीं किए हुए सर ये कुछ पंद्रह सोलह सौ सो नंबर हैं मैंने इनको अभी तक रिप्लाई नहीं किया मैं अकेला सारा कुछ डील कर रहा हूँ मगर ये सारे ऑर्डर और... लेने में मैं खुद ऑर्डर भी लेता हूँ मैं सामान भी तैयार करवाता हूँ मैं रात को डिलीवर भी करता हूँ और मैं रात को जो है वो कार को बिल्टी भी करवाने जाता हूँ अनब भाई पाँच हज़ार में अगर कोई बंदा अभी भी कारोबार शुरू नहीं करना चाहता ना उसका मकसद यही है कि वो कर ही नहीं सकता खुद तो स्टार्ट कर लिया आपने कारोबार और उसको उसको सेट भी कर लिया अब आप कह रहे हैं कि पांच, पांच हजार में करें किस तरह लोग बेरोजगार हैं जिन लोगों के पास जॉब नहीं है जो हमारी बहनें तलाक याफ्त है जिन जो बेवा हैं जो डिवोर्स हैं जो अपने भाइयों पे वो ये समझती हैं कि जिम्मेदारी है मैंने उनको कारोबार करवाने क्या देंगे का कोई पांच हजार में इतना सामान है अभी और भी वरायटी चेंज होगी वो सेल होगी है जो मेरे पास है ये देखें ये लें ये भी रह गए हैं जी पांच पांच हजार रुपए के ना लोग दो दो महीने के फोर जी पैकेज करवाते हैं ये पांच हजार में आप देंगे तो ये बिकेगा कितने का अलहमदल्ला ये सात साढ़े सात हज़ार रुपये में बिक जाएगा। अगर कोई बंदा मेहनत करने वाला हो कारीगर हो और उसको ट्रस्ट हो वो कारोबार कर लेगा और वो शर्माएगा नहीं जिसको मतलब जो अपने हाथ पाँव मैले कर लेगा मट्टी में मोटरसाइकिल पे खबार हो जाएगा मार्केटिंग कर लेगा वो ये सात साढ़े सात हज़ार रुपये में बेच लेगा पाँच हज़ार लगा के सात हज़ार आना दो हज़ार का प्रॉफिट मेरा नहीं ख्याल बुरा और जहरी बात जितना तेज बेचेगा उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा हाँ वो एक बेचे कार्टन अगले दिन फिर आज डेली दो हज़ार कोई जॉब करके साठ हज़ार कमा सकता है हमारे बोस् जो होते हैं उनकी साठ साठ हज़ार अपना ख्याल रखें और मुझे तमाम देखने वाले दुआओं में याद रखें जी और बस आप देखें। जी बट साहब ने जो बातें की हैं बिल्कुल हंड्रेड परसेंट परफेक्ट है कि जनाब जो आजकल की यूथ है जो जनरेशन है वो बड़ी बातें करती है कि हमें मौके नहीं मिल रहे आप कारोबार स्टार्ट करें पाँच हज़ार से स्टार्ट करें दो हज़ार कमाएंगे सात हज़ार से स्टार्ट करें दस हज़ार कमाएंगे इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता आपका बिजनेस बढ़ता जाएगा जिसने व्हाट्सएप से रबा करना है हमजा बट आपका फेसबुक पेज है, है। वहाँ पर रब्ता कर सकते हैं वहाँ पर इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी है शक्ल आपने इनकी देख ली है वहाँ पर इनकी तस्वीर तो भी लगी हुई है इनसे राबादा कर सकते हैं इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत अल्लाह